नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल पे, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं कि आईसी इंजन जो सब्जेक्ट आता है सेवन सेमेस्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो इन डिफरेंट कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो एट डिफरेंट कंडीशन, ये लेक्चर नंबर 15 है और इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं। उन 14 लेक्चर के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए और बाद में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से 14 लेक्चर आप देख पाएंगे। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर वन, मैक्सिमम पावर के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो कितना होना चाहिए। नंबर टू, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एयर फ्यूल रेशियो का रेशियो कितना होना चाहिए। ये ऑलरेडी कवर हो चुका है टॉपिक इन लेक्चर नंबर 14, बट उसका मैं ब्रीफ देने वाला हूँ आपको। लेक्चर नंबर 15 में हम क्या बात करने वाले हैं कि आइडलिंग कंडीशन के लिए क्या चेंजेस होते हैं, और लेक्चर नंबर 16 अब जो नेक्स्ट आने वाला है वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो आता है 15:1 उसको कैसे डिराइव करते हैं। आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इसका एक प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है जो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको उसके भी लेक्चर चाहिए तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आईसी इंजन की भी प्लेलिस्ट मिलेगी और साथ साथ में इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप दोनों को देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपकी क्वेरी सेटिस्फाइड करूंगा। चलिए मेरा सा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं क्या हूं। मेरा नाम जयवीर शाह है, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बी मैकेनिकल विद 9.47 सीपीआई एंड ड्यूरिंग माय बैचलर्स आई गॉट 3 times 10 out of 10 एसपीआई, मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल विद 9.12 सीपीआई, पीएचडी परस्यूइंग कैंडिडेट एंड यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर and patent agent, my Indian patent agent number is 3339. You can search also Indian patent agent Jayvir Shah. अब ये सारी डिटेल्स तो मैंने आपकी बता दी, पेटेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पेटेंट यही चीज है कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइज करके हम उसको प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें से रुपये कैसे कमाएं, तो वो चीज है पेटेंट। थोड़ा सा अभी इंप्लीमेंट नहीं है इंडिया में, यूएसए में बहुत चल रहा है और सारी चीजें इंडिया तभी जाके इम्प्लीमेंट करता है बहुत अच्छी तरीके से जब पूरी दुनिया में वो चीज अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी कि पहले दूसरों को देख लो, वहां पर अगर लेक्यूनास है तो वहां पर इम्प्लीमेंट मत करो, तब जाके इम्प्लीमेंट करो जब पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपको पेटेंट के बारे में भी कुछ जानना है तो आप अपनी क्यूरियोसिटी मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं पहले मैक्सिमम पावर की कंडीशन पे। तो मैक्सिमम पावर के लिए आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं, मैक्सिमम पावर के लिए कैसा रेशियो है, रीच मिक्सचर चाहिए। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, मैक्सिमम पावर के लिए कैसा मिक्सचर चाहिए, रीच मिक्सचर चाहिए। रीच मिक्सचर का मीनिंग होता है फ्यूल ज्यादा और एयर कम, किसके कंपैरिजन में, स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो के कंपैरिजन में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 13 नंबर का वीडियो देख लीजिए, 13, 14, 15 and 16 होगा, या फिर आप शुरुआत से ही सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो 13 नंबर का वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली डिफाइन होगा कि क्या है एयर फ्यूल मिक्सचर, उसका मीनिंग क्या है। उससे भी अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है तो 9 नंबर का वीडियो देखिएगा, 9 नंबर की वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन है। ओके, तो रीच मिक्सचर चाहिए, रीच मिक्सचर का मीनिंग होता है फ्यूल ज्यादा एयर कम एज कम्पेयर टू स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या है, इट इज अ थियोरिटिकल केमिकल कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू कंबशन टेक प्लेस फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी 1 kg ऑफ फ्यूल पेट्रोल को जलने के लिए कितना kg ऑफ एयर चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है। 15:1 का मीनिंग होता है 1 kg फ्यूल को बर्न होने के लिए 15 kg एयर चाहिए। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द एयर फ्यूल रेशियो। ओके, गेमा क्या है, गेमा भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, 14.7:1 को रिप्रेजेंट करता है 1, और गेमा को भी एयर फ्यूल रेशियो या फ्यूल एयर रेशियो आप कह दीजिए, जो भी आपका नाम देना है वो बोल सकते हैं, काफी रिसर्च पेपर में इसका यूज होता है। ओके, अगर रिच मिक्सचर से ज्यादा रिच मिक्सचर दिया तो क्या होगा, एग्जॉस्ट में
फ्यूल बाहर मिलेगा और इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी? एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलना यानी आउटपुट का कंप्लीट आना या इनपुट का कंप्लीट यूटिलाइज होना। इनपुट क्या होता है? एमएफ इनटू सीवी। एमएफ क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। फ्यूल का कंप्लीट यूटिलाइज होना। तो फ्यूल कैसे कंप्लीट यूटिलाइज होगा? फ्यूल कंप्लीट यूटिलाइज तभी होगा जब एयर ज्यादा देंगे हम, यानी एक भी बूंद फ्यूल की वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से जब हम फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करेंगे तब जाके हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी आने की वजह से हमारा जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? लीन मिक्सचर वाला होगा। तो लीन मिक्सचर इज गुड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आइडलिंग कंडीशन के लिए क्या करना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइडलिंग कंडीशन है क्या। आइडलिंग कंडीशन यानी काफी टाइम अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, अब गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है वो देखना होता है। मीन्स गाड़ी रुक जा रही है, मैंने एक्सेलरेटर नहीं देना है, समझिएगा आप मेरी बात को, एक्सेलरेटर नहीं देना है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक्सेलरेटर नहीं दिया। एक्सेलरेटर जनरली हम बोलते हैं कि एक्सेलरेट किया हमने, वैसे टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो हमने थ्रोटल वाल्व को ओपन नहीं किया। जब भी हम एक्सेलरेटर देते हैं ना राइट हैंड से, तो उसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में थ्रोटल। हमने थ्रोटल नहीं दिया, थ्रोटल वाल्व को हमने ओपन नहीं किया। तो थ्रोटल वाल्व अगर बंद रहा तो थ्रोटल वाल्व से आता क्या है? थ्रोटल वाल्व से तो एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। और अगर थ्रोटल वाली हमने ना दिया हो तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मिक्सचर एक साइड पोर्ट से आता रहेगा, थोड़ा सा आता रहेगा, इतना भी बंद होगा, मगर ड्यू टू द सक्शन प्रेशर ऑफ द पिस्टन, पिस्टन जो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है ना अपवर्ड से डाउनवर्ड, ड्यू टू दैट पोजीशन थोड़ा सा थ्रोटल वाल ओपन होगा और वहां पर थोड़ी सी मात्रा फ्यूल की आ जाएगी, फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ जाएगा जिससे गाड़ी चलने लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, काफी टाइम आप देख रहे होंगे, आप जाएंगे गैरेज वाले के पास और वहां पर बात करेंगे कि मेरी गाड़ी रुक जाती है, मैं क्लच ना दबाऊं तो रुक जाती है, मैं गाड़ी को ऐसे ही रख दूं तो रुक जाती है। ऐसे ही रख देना गाड़ी को, उसी को कहते हैं आइडलिंग। ऐसे ही रख देना, बस गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट बटन दबाया और फिर थ्रोटल ना दिया, एक्सेलरेटर ना दिया, ऐसे ही रुक दो, तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये चलेगी नहीं, उसका मीनिंग क्या हुआ? वहां पर एक स्क्रू आएगा, देखिएगा स्प्रिंग वाला, वो रेस को ठीक करेंगे। जो मैंने गैरेज वालों को कहते हुए सुना है वो ऐसे बोलते हैं कि हमने रेस ठीक की इसकी, या रेस ठीक करेंगे उस वाल्व को, वो थोड़ा सा ओपन कर दें। तो एक्चुअली होता क्या है कि रेस जितनी आप ज्यादा रखेंगे उतना इंजन की लुब्रिकेशन अच्छी होगी, क्योंकि फ्यूल ज्यादा आ रहा है, बट फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाएगी, आपकी गाड़ी की इकोनॉमी चली जाएगी। तो इस केस में एयर फ्यूल रेशियो कैसा होना चाहिए? लीन होना चाहिए, रिच होना चाहिए, या स्टोकियोमेट्रिक होना चाहिए? पहले पॉज करो वीडियो को, अपनी खुद की कुछ जो अजम्पशन आ रहे हैं दिमाग में उसको देखो, ये डायग्राम देखो, इसको अगर समझने को ट्राई करो कुछ, फिर जाके कमेंट करो कि सर मुझे ऐसा लगता है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर दूसरी कमेंट करना कि क्या सही में है, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये लेक्चर कंप्लीटली पढ़ा है। ओके, तो पहले बात करते हैं कि जब हम ऐसे ही समझते हैं कि भाई गाड़ी तो स्टार्ट है, गाड़ी पे लोड भी नहीं है, गाड़ी बस चालू करके रख दो, तो उसको कैसा मिक्सचर होना चाहिए? सबसे लीन मिक्सचर, यानी फ्यूल कम यूज होना चाहिए और एयर ज्यादा यूज होना चाहिए, करेक्ट? ये जनरल परसेप्शन हमारे दिमाग में आता है कि क्यों खाली पीली फ्यूल को वेस्ट करना, फ्यूल कम ही रखो, वैसे भी कम आ रहा है तो उसमें भी कम कर दो, एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसमें भी फ्यूल को कम कर दो। मगर होता क्या है? होता है रिच मिक्सचर चाहिए। एक्चुअली जब भी आइडलिंग कंडीशन होती है तो कौन सा मिक्सचर चाहिए? रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, रिच मिक्सचर क्यों चाहिए, और रिच मिक्सचर दिया तो फिर ये लॉजिक तो कोई बनता नहीं है, गाड़ी तो चल नहीं रही है, गाड़ी में स्पीड नहीं है, गाड़ी को पावर नहीं है, गाड़ी को लोड नहीं है, फिर भी गाड़ी को रिच मिक्सचर, ऐसा क्यों? इसका भी एक जरूरी लॉजिक है, यानी एक मैंडेटरी लॉजिक है। देखिएगा, समझिएगा ये लॉजिक को, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, और अगर ये समझ गए तो आप दो टॉपिक समझ जाएंगे, नॉट ओनली आइडलिंग बट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑल्सो। ओके,
एक फिगर बना लेता हूँ, वैसे तो यहाँ पर एक फिगर नहीं, चार फिगर बनेगी, समझाता जाऊंगा, समझते जाइएगा। देखिए ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है पता है आपको? एक तो ये चीज आपको पता लग गई होगी, ये बॉटम डेड सेंटर है, अगर ना दिख रहा हो तो समझ लेना, ये बॉटम डेड सेंटर लिखा हुआ है BDC, और यहां पर टॉप डेड सेंटर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पिस्टन की पोजीशन। तो पिस्टन इनिशियली कहां पर होता है? सबसे पहले पिस्टन होता है टॉप से लेके बॉटम पे आता है, सक्शन स्ट्रोक जिसे कहते हैं, तो वो टॉप से बॉटम पे आया, और इस सक्शन स्ट्रोक में दो वाल्व रहते हैं, एक होता है इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व जो ओपन होता है क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ सके, और दूसरा रहता है एग्जॉस्ट वाल्व जो क्लोज रहता है आइडियलिंग आइडल कंडीशन में। जो हमने अभी तक सीखा है, जो हमने अभी तक जाना है, जो हमने अभी तक समझा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनटेक वाल्व ओपन होता है जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक लेता है तो, और इनटेक वाल्व ओपन होने की वजह से सिर्फ एयर और फ्यूल यहां से अंदर आते हैं, करेक्ट, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहां से अंदर आता है। नेक्स्ट, तो ये तो सक्शन स्ट्रोक हो गया। अब सक्शन स्ट्रोक कितना होगा, तो इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, इसके साथ क्रैंक कनेक्टेड होती है, इसके साथ क्रैंक कनेक्टेड होती है, और ये क्रैंक कनेक्टेड है, क्रैंक घूम रही है, तो क्रैंक का क्या होगा? एक्चुअली क्रैंक कनेक्टेड होगी तो होगा क्या? क्रैंक कनेक्टेड होने की वजह से पिस्टन कब टॉप डेड सेंटर पे होगा? जब ये पोजीशन होगी तो क्रैंक की, यानी तब पिस्टन यहां पर टॉप डेड सेंटर पे होगा, और अभी बॉटम डेड सेंटर पे है तो कहां पर होगी ये क्रैंक की पोजीशन? यहां पर। यानी कितना रोटेशन हुआ टोटल? 180 डिग्री, ये आइडलिंग कंडीशन में। तो ये देखिए, अब यहां पर आप समझिएगा कि सक्शन स्ट्रोक कब हो रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक, आप समझ लीजिए ये है इनटेक स्ट्रोक, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए टॉप डेड सेंटर से पिस्टन स्टार्ट हुआ 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 और बॉटम डेड सेंटर तक चला। मगर ये जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनटेक वाल्व की पोजीशन को। तो देखिए इनटेक वाल्व जो है वो थोड़ा सा पहले ओपन कर दिया जाता है, थोड़ा सा पहले, अभी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा नहीं है, उससे पहले थोड़ा सा इनटेक वाल्व ओपन कर दिया जाता है, और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच चुका है यानी इस कंडीशन में पिस्टन यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर पहुंच गया, फिर भी इनटेक वाल्व को थोड़ी देर के लिए खोला जा रहा है और भी थोड़ा सा रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिलेंडर के अंदर उसको खचो खच यानी एकदम कंप्लीटली फिलअप कर पाए एयर फ्यूल रेशियो से। जितना ज्यादा एयर फ्यूल रेशियो आएगा उतना ही ज्यादा हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, अगर माल ही नहीं है तो फिर एनर्जी एफिशिएंसी आएगी नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी दूसरा स्ट्रोक कौन सा होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक। तो आइडलिंग कंडीशन में कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, कोई भी वाल्व में से कुछ नहीं हुआ और पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करता है। ओके, तो यहां पर ये है कंप्रेशन स्ट्रोक, देखिए लिखा हुआ भी है, येलो कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में ये वाल्व कहां तक ओपन रहता है? टॉप डेड सेंटर तक ऑलमोस्ट, वहां से थोड़ा सा आगे, और ये जब कंप्लीट हुआ इनटेक स्ट्रोक वहां से लेके ओपन तक, सॉरी कोई भी वाल्व ओपन नहीं रहते हैं, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, और पिस्टन की मूवमेंट होती है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। अब तीसरा स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक यानी पिस्टन की मूवमेंट। तीसरा स्ट्रोक कौन सा है? तीसरा स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन की मूवमेंट वापस अगेन टॉप टू बॉटम। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, पावर स्ट्रोक में भी कुछ कोई चीज अंदर नहीं डालनी है या फिर कोई चीज को बाहर नहीं भेजनी है। तो ये रहा पावर स्ट्रोक, कहां पर गया? ये है कंबशन स्ट्रोक, या फिर इसको पावर स्ट्रोक आप कह लीजिए। तो ये रहा पावर स्ट्रोक।
ओके okay. तो पावर स्ट्रोक का कंप्लीट हो गया. अब लास्ट बचा है जो चीज, दैट इज एक्सपांशन स्ट्रोक. और एक्सपांशन स्ट्रोक में पिस्टन अगेन डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट करता है. सॉरी एक्सपांशन नहीं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसको हम एक्सपांशन भी कह सकते हैं ये पावर स्ट्रोक को, इसको हम कंबशन स्ट्रोक भी कह सकते हैं और पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है. फर्स्ट वाला था वो था सक्शन और इसको इंटेक स्ट्रोक भी कहा जा सकता है. सेकंड वाले को कंप्रेशन ही कहा जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक. और फाइनल वाले को एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जहां पर बर्निंग हो चुकी है फ्यूल की, अब सिर्फ धुआं ही धुआं है और उस धुएं को बाहर निकालना है. तो इस टाइम पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और इनटेक वाल्व क्लोज होता है. ये रहा एग्जॉस्ट स्ट्रोक. बस इस स्ट्रोक को हमें समझना था. अगेन मैं आपको कह दूं कि ये जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाल्व की टाइमिंग. ये है वाल्व टाइमिंग डायग्राम. वापस इसको देखते हैं, वाल्व टाइमिंग डायग्राम को वापस समझते हैं. तो देखिए, समझने में आपको सबसे ज्यादा पहले यह चीज समझनी है कि इंटेक स्ट्रोक में यहां पर लिखा हुआ है कि इंटेक वाल्व जो ओपन होता है वो 10 डिग्री बिफोर होता है. तो पहले मैं इंटेक स्ट्रोक लिख लूं. इंटेक स्ट्रोक में दो वाल्व है, इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है. तो इंटेक स्ट्रोक में 10 डिग्री पहले इंटेक वाल्व ओपन हो जाता है, यानी इंटेक वाल्व ओपन होता है 10 डिग्री पहले. एंड क्लोज कब होता है, बॉटम डेड सेंटर आने के बाद 25 डिग्री के बाद क्लोज होता है. ओके, पिस्टन टॉप डेड आए उससे 10 डिग्री पहले वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन बॉटम डेड आए उसके 25 डिग्री बाद वाल्व क्लोज होता है. ओके, तब जाके ये डायग्राम कंप्लीट होता है. डन, इंटेक स्ट्रोक डन. अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक के बारे में जो है कंप्रेशन स्ट्रोक. इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों का वापस बात करेंगे. तो कंप्रेशन स्ट्रोक में ना इनलेट वाल्व ओपन होता है ना एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, तो ये दोनों वाल्व ओपन नहीं होते हैं, दोनों क्लोज हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपांशन स्ट्रोक के बारे में. ओके, एक्सपांशन स्ट्रोक में देखिए, एक्सपांशन स्ट्रोक में देखिएगा, एक्सपांशन स्ट्रोक में भी यहां पर वाल्व जो है वो ओपन नहीं है, कोई भी वाल्व ओपन नहीं है. सॉरी, ये तो इनलेट स्ट्रोक हो गया, येलो कलर का कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, ऑरेंज कलर का एक्सपांशन स्ट्रोक है. एक्सपांशन स्ट्रोक में भी कोई वाल्व ओपन नहीं है, बस प्रोसेस कंप्लीट हो रही है. कहां तक, तो कि एक्सपांशन स्ट्रोक में इनलेट भी ओपन नहीं है और एग्जॉस्ट भी ओपन नहीं है. मगर देखिए, एक्सपांशन स्ट्रोक यहां पर एंड हो रहा है. ये मैं व्हाइट कलर से बता रहा हूं, शायद आपको पता ना चले, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. यहां पर एंड हो रहा है एक्सपांशन स्ट्रोक, ये रहा एंडिंग पॉइंट उसका. ये एंडिंग पॉइंट है बॉटम डेड सेंटर से थोड़ा सा आगे, बॉटम डेड सेंटर से थोड़ा सा आगे. और अब क्या ओपन हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है. एग्जॉस्ट वाल्व लिखा हुआ है, देखिए, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन. एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है 25 डिग्री पहले, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है मगर 25 डिग्री पहले बॉटम डेड सेंटर से. पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आए उससे पहले, ये यहां पर आए उससे पहले थोड़ा सा वाल्व ओपन हो जाता है. अब लास्ट वाला समझ लेते हैं, यानी पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी. थोड़ा सा वीडियो लेक्चर अगर ना समझ में आए दो बार देख लेना, मगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट के बारे में. तो एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है, देखिए, एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रही है. पिस्टन बॉटम से लेके टॉप पे जा रहा है, तो बॉटम से लेके टॉप पे आ रहा है, तो वहां पर एग्जॉस्ट वाल्व तो ऑलरेडी ओपन था 25 डिग्री बिफोर टीडीसी. और अब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे भी आ जाता है, ये देखिए, यहां पर टॉप डेड सेंटर पे भी आ गया, उसके बाद भी 15 डिग्री तक एक्सपांशन वाल्व ओपन रहता है. यानी एक्सपांशन वाल्व क्लोज कब होता है, 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी. पिस्टन टॉप पे आ गया, पिस्टन टॉप पे आ गया, सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. क्योंकि पिस्टन टॉप से आने के बाद क्या करेगा, डाउनवर्ड ही आएगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही आएगी. तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट हो चुका है, मगर अभी अभी
यहां पर हमने क्या समझा कि यहां पर भी थोड़ी देर के लिए 15 डिग्री के लिए एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है। तो मिला जुला के जो बात आई वो यही है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब एक्चुअल कंडीशन में वाल्व दोनों ओपन रहते हैं, इनलेट भी और एग्जॉस्ट भी, थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? इनलेट ओपन रहता है टॉप डेड सेंटर से 10 डिग्री के बाद ओपन होता है, 10 डिग्री के बाद समझ लेना, 10 डिग्री के बाद ओपन होता है, यानी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ गया, वहां से थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा 10 डिग्री के बाद। और ये कितने डिग्री तक ओपन रहेगा? 15 डिग्री तक, यानी दोनों के बीच का जो गैप है 5 डिग्री, वहां पर दोनों वाल्व ओपन रहेंगे, तो 5 डिग्री का उसको क्या कहेंगे हम? ओवरलैप। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा, एग्जॉस्ट गैस का जो प्रेशर होगा वो कैसा प्रेशर है? क्योंकि एग्जॉस्ट गैस कब बनती है? कंबशन होने के बाद। कंबशन कब होता है? जब हाई प्रेशर अटेंड हो तब। तो एग्जॉस्ट गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, इसीलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में प्रेशर ज्यादा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में प्रेशर ज्यादा है। और सक्शन स्ट्रोक में तो हम कह ही रहे हैं कि हम सक कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम खींच रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं, तो सक्शन स्ट्रोक में प्रेशर कम है। तो क्या होगा कि ये 5 डिग्री के लिए भी ये दोनों वाल्व ओपन रहेंगे, तो उसमें होगा क्या कि ये जो फ्यूल है जो लो प्रेशर से आ रहा है, ये लो प्रेशर यहां पर बन रहा है ना, एक्चुअली वाल्व ओपन होगा मगर वहां पर प्रेशर तो लो बन रहा है, और यहां पर जो वाल्व है वहां से अगर ज्यादा प्रेशर होगा तब जाके ये बाहर जाएगा। तो ये बाहर जाने के लिए यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इंजन से तो बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, मगर इंजन के अंदर चार्ज आए उसके लिए हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर हमें देना पड़ता है। तो यहां पर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसी वजह से पूरा जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो कहां पर चले जाएंगे? इंटेक स्ट्रोक के अंदर चले जाएंगे, वो 5 डिग्री के लिए। अब वो एग्जॉस्ट गैसेस अंदर चले गए, एग्जॉस्ट गैसेस अंदर चले गए तो उसको भी तो बाहर निकालना है, यानी एग्जॉस्ट गैसेस को भी बाहर निकालना है और फ्रेश चार्ज को भी अंदर लाना है। तो इसी वजह से होता क्या है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक यहां पर बहुत कम फ्रेश चार्ज होता है, और वहां पर ज्यादा फ्रेश चार्ज आए इसी वजह से हमें कैसा रेशियो चाहिए? रीच रेशियो चाहिए। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि हमें रीच रेशियो चाहिए। बट अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन क्यों रखना, एक बार पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाए तो फिर एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन क्यों रखना? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल पाए। अगर एग्जॉस्ट गैसेस प्रेजेंट रहेंगे इन द इंजन तो इंजन नया फ्रेश चार्ज नहीं ला पाएगा, नया फ्रेश चार्ज नहीं ला पाएगा, इट मींस इंजन एफिशिएंटली बर्न नहीं होगा, हमें आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस प्रेजेंट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो इनकम्प्लीट कंबशन भी होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस होंगे जो टॉक्सिक इन नेचर है। तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डेंजरस है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डेंजरस है। तो इसीलिए एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी, पावर भी नहीं मिलेगा, और एमिशन होगा वो एक्स्ट्रा। इसी वजह से आइडलिंग कंडीशन में हमें रिच मिक्सचर चाहिए, ताकि एग्जॉस्ट गैसेस जो बचे हुए हैं वो जब इंटेक स्ट्रोक में एंटर कर रहे हैं ओवरलैप कंडीशन में, ओवरलैप की कंडीशन यानी 5 डिग्री के लिए दोनों वाल्व, सक्शन एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व ओपन रहते हैं, तो उन दोनों वाल्व को कंपेंसेट करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस जो आ जाते हैं इंटेक वाल्व के अंदर उसको निकालने के लिए, यही प्रोसीजर अगर हम बोले ना तो इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर विच इज एग्जिस्टिंग इन केस ऑफ 2-स्ट्रोक इंजन। वो प्रोसेस की नाम आप नीचे लिख दीजिए बार में, वरना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा उस तरीके की प्रोसेस। चलो बता ही देता हूँ, स्केवेंजिंग प्रोसेस। स्केवेंजिंग प्रोसेस में भी हम फ्रेश चार्ज को इसीलिए ज्यादा डालते हैं ताकि एग्जॉस्ट गैसेस जो बचे हुए हैं वो निकल जाए बाहर। तो उसी तरीके से एग्जॉस्ट गैसेस को निकालने के लिए सक्शन स्ट्रोक में से, और वो एंटर ना कर पाए सक्शन स्ट्रोक में, वो इंजन की एफिशिएंसी ना कम कर पाए और ज्यादा पोल्यूशन ना हो, उसी वजह से हमें रीच मिक्सचर चाहिए ड्यूरिंग आइडलिंग प्रोसेस एज वेल। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। अब आपके पास तीनों चीज है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर के लिए क्या चाहिए, एंड मैक्सिमम सॉरी आइडलिंग कंडीशन के लिए क्या चाहिए, एयर फ्यूल रेशियो। तो 7 मार्क का क्वेश्चन बन गया, 3-3 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर।
एक्सप्लेन कीजिएगा थरली, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे क्वेरी में लिख दीजिएगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सॉल्व योर क्वेरी अप टू बेस्ट लेवल ऑफ माई नॉलेज. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस.